कहीं मिट्टी और धूल के बादल और कहीं खड्डों में 2 से 3 फुट तक खड़ा पानी। ये मनाजिर है जफरवाल की सड़कों के। जफरवाल से नारोवाल रोड, सियालकोट रोड, कश्मीर रोड और चक्करगढ़ रोड इस कदर टूट फूट का शिकार हैं कि इन पर सफर करने वाले लोग हड्डियों के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। सड़क पर उड़ने वाली धूल से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। जफरवाल के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते की जो सड़कें हैं वो मुकम्मल टूट फूट का शिकार हैं। मैं इस वक्त नारोवाल जफरवाल रोड पर मौजूद हूं। अगर इन सड़कों के बारे में हम आपको बताते चलें, ये जो सड़कें हैं नारोवाल जफरवाल की जो सड़क है ये मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। आए दिन यहाँ पर हाल से जो है वो रूनमा होते हैं और जब यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर जो गड्ढे हैं उनमें कई कई फीट पानी भर जाता है, जिसकी वजह से गुजरने वाले लोगों को शदीद मुश्किल का सामना है। टूटी सड़कें, तालाब नवा रोड, खंडरात की शक्ल पेश करती ये मरकजी चौराहें, जिन पर आए रोज हादसा होना मामूल बन चुका था, मिनटों का सफर घंटों पर मोहित होने लगा, ट्रैफिक फनसना मामूल बन चुका था, गाड़ियों के टायर फटना और उलटना, नुकसान करवाने के लोग बददिली से आदि हो रहे थे, हल्की सी भी तेज रफ्तारी इंसानी जानों के जिया का सबब बनने लगी, बच्चों की लाशें उठा उठा कर शहरी खौफ में गिर चुके थे, अवाम एहतजाज कर कर के थक चुके थे, अहले इक्तदार सुन नहीं रहे थे, वो सुनना नहीं चाह रहे थे, जिन हाथों ने आसानियां बांटनी थी वो हाथ खुद को खुशहाल करने में दिन रात मसरूफ अमल थे, गाड़ी बंगले के शौकीन आवाम को बदहाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अफसोस, सद अफसोस। दीवानों में बैठे हुए मिंबरान की मुद्दत पूरी हो गई, अहलिया ने हलका PP46 के लोगों में एक खुशी की लहर पैदा हुई, एक उम्मीद की किरण जागी, इलेक्शन 2018 का ऐलान हो गया। इलेक्शन 2018 की गहमा गहमी शुरू हो गई। हस्ताला कारकर्दगी देखते हुए हल्का PP46 के अवामी हलकों ने अपनी निगाहें सबका सूबाई वजीर मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन शाह की जानब मरकूज कर ली। अहलिया ने हल्का के पुरजोर इसरार पर पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। हल्का की हालत को देखते हुए पीर साहब ने तरक्याती कामों के वादों के ऐलान किए। हल्का PP46 के वोटर्स ने इज्जत बख्शते हुए पीर साहब को वाज अक्सरियत से जितवाया। पंजाब हुकूमत बनते ही एक बार फिर सैयद सईदुल हसन शाह सूबाई वजीर औकाफ मजहबी अमूर मुकर्रर हो गए। सियासी उतार चढ़ाव की थकन मिटाते ही किए गए वादों की तकमील के लिए कोशां हो गए। इस वक्त के वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जफरवाल लाए। उस्मान बुज़दार ने जफरवाल को अपना दूसरा घर करार दिया। अभी जो पीर साहब ने कुछ बातें बताई हैं कि आप लोगों के जो मसाइल हैं, एक तो सबसे पहले जब हम हेलीपैड से उतरे यहाँ तक आए, यहाँ पे तो कोई सड़क ही नहीं है, तो फौरी तौर पर जफरवाल के अंदर जितनी भी सड़कें हैं उनके बनाने का ऐलान करता हूँ। जफरवाल में नारोवाल रोड जिसकी आपको अशद जरूरत है, इंशाल्लाह इसी बजट के अंदर 20 करोड़ रुपए की ग्रांट फ्राहम की जाएगी और जफरवाल से शकरगढ़ जो रोड आपकी टूटी फूटी है उसकी भी मरम्मत का ऐलान करता हूँ।
वसीम अकरम प्लस की आमद के बाद पीर सैयद सईद उल हसन शाह ने तरक्याती कामों के लिए अपनी तरजीहा तय की। जफरवाल नारवा रोड, जफरवाल शकरगढ़ रोड, दरमान रोड, हबंसपुरा, दनवाल, कोठे तक क्याल, जफरवाल रिंग रोड और बड़ी बड़ी शाहराह की तामीर शुरू हुई। इसके अलावा अंदरूने जफरवाल और हल्का के देहातों में बेशुमार छोटे मनसूबा जात शुरू किए। तरक्याती कामों की बरक रफ्तारी के बाद हल्का के आवाम के असरात कुछ यूं मिले। माशाल्लाह जी, जफरवाल तो नारवा रोड पीर सैयद सईद उल हसन शाह साहब ने तमीर करवाया, असी उन्होंने बेहद मशहूर हाँ। मेरा नाम मलक अब्दुर्रज़ाक है, मैं टैक्सी ड्राइवर धमथल चलाना। यह रोड बड़ा टुटा हुआ सी, यदा हूँ सानू बड़ा फायदा बन गए ने। पीर सईद उल हसन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करने जिन्होंने जिन्हों की काविश ना बने। अस्सलामु अलैकुम जी। जनाब गल है कि पीर साहब जदों पहले दौर च आए सन तो उस टाइम भी उन्होंने बड़े काम करवाए सन, तो हूँ भी बड़े काम करवाए ने, तो बड़ा मज़ा आया। पीर ने कम शम कराए ने, जफरवाल तो शकरगढ़ रोड बिल्कुल टुटिया सी, ये बिल्कुल कोई गड्डी या रोज एक्सीडेंट होया हों रहा इस गल तो चलिया। पीर ने बहुत अच्छे काम कराए ने, रुपैंसपुर तो लैके सारवाल तक, सारवाल तो पिंडी, पिंडी तो बड़ा पिंड, बड़े पिंड तो कुकियाल मंझला, कुकियाल मंझले तो कुकियाल दनवाल तक एंड ये पीर ने मराड़े बनाया रोड। ये रोड पीर सैयद सईद उल हसन शाह साहब ने बनवाया और भैंसपुर तो लै गए तो दनवाल तक। ये पहले भी उन्हें ही बनाया सी, हूँ फिर उन्हें ही बनाया। ये पुल भी बड़े पिंड वाला उन्हें ही बनवाया। यह रोड जरा जफरवाल तो लैके दरमान तक बनया, पीर की घूमत बनया, ठीक है, शावान की घूमत रोड बनया। तो शावान ने जो बहुत काम करवाए ने अपनी घूमत के करीबन साढ़े हल्के सारे रोड जोड़े ने ये पीर की घूमत ही बने ने। ये शावान ने रोड बनवाया जी, उन्हों की बड़ी मेहरबानी है। बारिश हो जाती ही तो सू इधर आना पैना पैड़ियों वाले पास, तो बहुत परेशानी होनी, तो हूँ बसानी अं जे पैड़ियों से आ जा सकते हैं। और ये लिहाज न रोड बनने की वजह ना साड़िया जमीन का रेट भी जोड़ा ना वो ज्यादा हो गया। माशाला जी, ये पीर ने ना अपने दौर के पहले भी बड़े काम करवाए ने, लेकिन यह जरा एक स्पैशल रोड बनाया ना साड़िया जमीन वास्ते बहुत फायदेमंद है, तो नाले जमीन के रेट भी बढ़ गए ने। दूसरे नंबर पर सहूलत बड़ी है, मोहम्मदली मोड़ तो लैके तो अरबैंसपुर तक। अरबों रुपए की लागत से सड़कों की तामीर मरम्मत के बाद सूबाई वजीर सैयद सईद उल हसन शाह ने अहलिया ने इलाका के दरीना मसला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जफरवाल में बीएस प्रोग्राम का भी आगाज करवा दिया। तो माशाल्लाह जी, ये पीर सईद उल हसन शाह साहब का बड़ा कारनामा है। उन्होंने पूरे जोर देकर हमें कहा कि ये बीएस की क्लासेस स्टार्ट करवाएं, हमने उनकी आवाज़ पे लबैक कहा और ये तीसरा साल गालबन चल रहा है, पांचवा सेमेस्टर हमारे पास है, अभी छठा शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ ये चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया यूनुस है, मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जफरवाल से तालीम हासिल कर रही हूँ, बीएस थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ। और ये हमारे साहब का जो मिनिस्टर है पीर सैयद हसन शाह साहब, उनकी काविशों की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि हम जैसे बैकवर्ड एरियाज के जो लोग हैं, जो फीस अच्छे से पे नहीं कर सकते, उनके पास इतना कुछ नहीं होता, वो यहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए तो इस इलाके की गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सिटीज़ में जाके तालीम हासिल करें, और इनकी ये बहुत बड़ी काविश और मेहरबानी है कि हम गर्ल्स यहाँ पे तालीम हासिल कर पा रही हैं। आसान सेहत की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए टीएचक्यू अस्पताल को फाल किया गया। मैं टीएचक्यू जफरवाल में बतौर मेडिकल ऑफिसर और डीएमएस खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारे इस इदारे में तकरीबन रोज़ 500 से 600 लोग जो हैं वो मुफ्त इलाज की सहूलतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। दहाइयों पहले बनने वाली जफरवाल थाना की खस्ताहाल और खतरनाक इमारत को अस्तर नो तामीर कराना शुरू कर दिया। हल्का में मौजूद मसाइल जफरवाल ता योली जंडियाला रोड और किंगरा रोड मुकम्मल ना हो सके, जिस पर पीर सैयद सईद उल हसन शाह अफसुरदा हो गए। बुराई से बचाना मुझको।
अपने हलका की रही सही महरूमियों का अजालत करने के लिए आइंदा इलेक्शन में अपना कीमती वोट पीर सैयद सईदुल हसन शाह को दें, ताकि इलाके की तरक्की का जो सफर मुनकता हुआ वो दोबारा शुरू हो सके।